इंडिया रितेश पांडे जी का एक बहुत ही प्यारा और धमाकेदार गाना लॉन्च किया है, 1 घंटे में 1,56,000 व्यूज। जैसा कि मैं रिव्यू में आप लोगों को बताया था कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही महंगा गाना लॉन्च किया गया। वाकई में उस समय तो टीजर में दिख रहा था कि बहुत महंगा गाना है, लेकिन जैसे ही 4 मिनट का गाना है, हमसे 5,000 वाला वीडियो बना करके रितेश पांडे रख दिए हैं। इस गाने में एक लौंडा टाइप का हीरोइन के साथ नाच रहे हैं रितेश पांडे, जो कि बहुत ही बेवयात और भद्दा किस्म के लौंडिया लग रही है। इस वीडियो में कोरियोग्राफर का कोई काम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये फिल्माया गया है, ये गाना 4 मिनट का गाना जो है, कोरियोग्राफर कोरस लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सकते थे, नचा सकते थे, लेकिन जितने भी कोरस है बेवहिया टाइप का अपना अपना स्टेप कर रहे हैं, जो कि एकदम से गंदा लगता है देखने में। गाने का मेन आकर्षण का केंद्र अपना बसुरिया के धुन पे, मतलब यही एक गाना है, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट नहीं बैठ रहा है। मतलब गाना कुछ है और वर्ड कुछ है, मतलब लिरिक्स कुछ है, म्यूजिक कुछ है, वही याद लगेगा। मतलब हमको ये समझ में नहीं आता रितेश पांडे जी आप कर क्या रहे हैं। इतना बेहतरीन बेहतरीन गाना आप गाते हैं, सैड सॉन्ग गाते हैं, बहुत ही बेहतरीन लोकगीत गाते हैं, किसी भी तरीके का कोई कमी नहीं, आप तक फिल्म ही बनाते हैं, लेकिन आप इस तरीके का गाना गा करके आप दिखाना क्या चाहते हैं ऑडियंस को? मजबूरी पड़ गई थी क्या किसी भी चीजों की? अगर आप लोगों को डायरेक्शन की कमी है, अगर आप लोगों को डायरेक्टर बढ़िया नहीं मिल रहा था, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको एक बेहतरीन तरीके बताएंगे, जो कि वो गाना बहुत ही बेहतरीन तरीके ट्रेंडिंग में जाएगा। सिर्फ बांसुरी दिखाया गया, क्योंकि टाइटल भी बांसुरी है और गाने का नाम भी बांसुरी है, ठीक है, इसके सिवा और कुछ नहीं दिखाया गया है। ये एकदम से एक फ्लोर पे वीडियो फिल्माया गया, जो कि 4 मिनट का गाना है, पूरी तरीके से फ्लोर पे है, एक ही जगह पे एक ही सेटअप है, पिक्चर क्वालिटी एकदम से बेलूरा लगता है, बस धुआं हुआ और लाइटिंग का ज्यादा कंडीशन इसमें डाल दिया गया, इसके सिवा और कुछ है भी नहीं। बस इतना ही कहना चाहूंगा, रितेश पांडे जी का ये अभी तक का सबसे घटिया और बेवहियात गाना है, और ये गाना सुनने लायक नहीं है। शायद ये ट्रेंडिंग में जाएगा कि नहीं जाएगा मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि इसमें पैसा खर्चा किया ही नहीं गया, 5,000 में ये वीडियो बना करके तैयार कर दिए हैं। गजब बेइज्जती है, सिर्फ धुआं धुआं, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। मतलब ऑडियंस को आप मूर्ख बना रहे हैं, और मूर्ख बनाना बंद कर दीजिए। रितेश पांडे जी हो या चाहे कोई भी स्टार क्यों ना हो, आप अपने वीडियो में क्वालिटी दीजिए, पैसा खर्च कीजिए, तब जाकर के आपको, मतलब ऐसा ही 5,000 का वीडियो बना करके आप 5,00,000 कमाने का उम्मीद कर लेते हैं, मूर्ख बनाना कब तक सीखिएगा, ये गलत बात है। खैर, हमारा रिव्यू करना था काम, अब हम इसके लास्ट कंक्लूजन पे आना चाहेंगे कि इस वीडियो में क्या खास है। 4 मिनट 7 सेकंड का गाना है, गाने का नाम है बांसुरिया, रितेश पांडे जी इस गाने में अपनी आवाज दी है, बहुत ही आवाज बेहतरीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रियंका सिंह भी है इसमें फीमेल सिंगर, बहुत ही बेहतरीन सिंगर है, लेकिन बाकी के जो भी वीडियो में आपको दिखेगा वो बहुत ही बेकार टाइप का दिखेगा। चाहे इसमें हीरोइन देख लीजिए, हीरोइन एकदम से लौंडा टाइप का, इसका नाम भी नहीं लूंगा। जितने भी कोरस लोग हैं एक साथ कीजी भी जी, एकदम से वीडियो आपको देखने में बहुत ही बेकार लगेगा, गंदा लगेगा। म्यूजिक ओवरऑल ठीक है, उतना भी बढ़िया नहीं है, डायरेक्शन की बहुत ही कमी है, कोरियोग्राफर का बहुत ही कमी है। बस ओवरऑल यही कहना चाहूंगा कि 2 स्टार का गाना है, और ये गाना एकदम से पूरी तरीके से फ्लॉप है। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।